शहडोल जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, कमलनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह सरीखे नेता और भी कौन कौन है आइए दिखाते हैं आपको के भविष्य को। ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर वन है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो 35 दिन बते हैं शिवराज सिंह जी, यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया। और यही जनता जो यहां बैठी और मध्य प्रदेश के मतदाता आपको विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं। आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश, 50% पैसे दो काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है, ये आज हालात है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया, रेत माफिया जो आपके यहां भी है, रेत माफिया दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इस रेत माफिया से निपटेंगे। रेत का अधिकार सबसे पहले आपका होगा। ये रेत माफिया जो शिवराज सिंह ने दिया है, शिवराज सिंह जी आपने बलात्कार दिया, आपने अपराध बल अपराध दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया। पर शिवराज सिंह ने एक और चीज करी, क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने किया, ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली, 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के की लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। कमलनाथ जो कि लगातार उन विषयों पर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं और वर्तमान सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और ये जनाक्रोश रैली है जहां पर आपको फिर लिए चलेंगे। राहुल गांधी भी अब से कुछ ही देर में यहां पर क्या कुछ संबोधित करते हैं, क्या विषय यहां पर होंगे और इस जनाक्रोश रैली में क्या कुछ वो कहेंगे, क्योंकि एक जनाक्रोश रैली जो मध्य प्रदेश में निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो यहां पर समापन के लिए अब पहुंची है। सभी यहां पर जो रैलियां हैं वो अब समापन है और समापन समारोह में राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। कमलनाथ अभी इस वक्त यहां पर आप बोल रहे थे। बढ़ते आगे और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने CWC की बैठक को लेकर एक बड़ी बात कही है, वो आपको बताते हैं। दरअसल विजयवर्गीय ने कहा कि इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस CWC ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रनीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया है।